हेल्थ, ब्यूटी और प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर जानिए, उसमें लाभ होगी या हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो या कोई भी आपके सामने कुछ अड़चन आ रही हो, तो आप उस समझ सकते हो उस अड़चन में या उस प्रश्न में आपको लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, यह आप अंक ज्योतिष से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो हम इधर क्या करेंगे, 100 लेके 108 में से इन दोनों के बीच में एक कोई भी अंक आप लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अंक लीजिए। मानो मैंने 10 लिया, मैंने 15 लिया, मैंने 50, मैंने 91, कुछ भी ले लिया, तो इनमें से आपको एक अंक कोई भी लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको 42 ऐड करना है। हाँ जी हाँ दोस्तों, समझो मैंने 50 लिया और 50 में मैंने 42 ऐड कर दिया तो हो गया 92। इसी तरह आप कौन सा भी नंबर लीजिए, आपको उसमें 42 ऐड करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो आपने यहाँ 108 लिया है और उसका प्लस 42 आया है, उसका जो उत्तर आया है, जी हाँ दोस्तों, उसका जो उत्तर आया है उसको आपसे 3 से भागना है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा उत्तर आता है 3, तो मैं उसको 3 से भागूंगा तो उत्तर आएगा 10। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कितना आएगा, 10। इसी तरह आपका इधर कुछ भी आ सकता है उत्तर, किसी का 5 आ सकता है, किसी का 0, किसी का 3, किसी का कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको ये प्रोसेस करनी है। इसके बाद क्या करना है आपको, कि आपका जो शेष आएगा, मतलब किसी का 0 आएगा, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 1, उसके बाद में मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। आपका शेष कोई भी बचा हो, आपको भाग पे ध्यान देना ना, आपको शेष पे ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका शेष 0 बचे, 1 बचे या 2 बचे, तो इससे आप जान सकते हैं कि उस प्रश्न में, उस अड़चन में आपको क्या होगा, आपको लाभ होगी या हानि होगा। मतलब आप गाड़ी लेंगे, उससे आपको लाभ होगा या हानि होगी। तो दोस्तों शेष अगर 0 बचे, मतलब शून्य बचे, तो आपको उस प्रश्न में या उस अड़चन में आपको हानि होगी। अगर आपको शेष 1 बचे, तो उस प्रश्न में या उस स्थिति में आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप उस स्थिति में लाभ ही होगा। उसके बाद शेष 2 बचता है, ना हानि होगी ना लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर शेष 2 बचता है, ना उस आपको उस चीज़ में हानि हो सकती है, ना कि लाभ हो सकता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताइए। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।